ईडी ने सोमवार सुबह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के घर सहित 7 ठिकानों पर छापा मारा। आपको बता दें, सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज है और वे 9 जून तक ईडी के हिरासत में रहेंगे। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में जैन के घर और कुछ अन्य जगहों पर छापेमारी की जा रही है। 57 साल के सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैन और उनकी पत्नी पूनम जैन पर मामला दर्ज किया गया है। जैन ने कथित तौर पर दिल्ली में कई सेल्स कंपनियां बनाई और खरीदी थी। उन्होंने कोलकाता के 3 हवाला ऑपरेटर से 54 सेल्स कंपनी के जरिए 16.39 करोड़ का काला धन भी ट्रांसफर किया। इसके साथ सत्येंद्र जैन को ईडी ने अगस्त 2017 में उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के केस के तहत अरेस्ट किया गया था। पिछले महीने ईडी ने जैन परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। 2018 में इस मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन से पूछताछ की थी। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की बड़ी वजह यह भी है कि वो ईडी को जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। इस मामले के चलते करीब 8 साल हो गए हैं। सत्येंद्र के हिरासत में जाने के बाद उनका सारा कार्य प्रभार डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सौंप दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।